नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। किच्छा में नाबालिग युवती की गुमशुदगी पर परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ भी हुए धरने में शामिल। किच्छा के एक शहरी क्षेत्र से पिछले एक महीने से नाबालिग बच्ची का सुराग न मिलने से भड़के परिजनों ने आज किच्छा कोतवाली परिसर के बाहर उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस बीच तिलक राज बेहड़ ने बताया कि पीड़ित परिजनों की 14 साल की नाबालिग लड़की पिछले करीब एक महीने से घर से गायब है, जिसके लिए कई बार जिले के बड़े पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर उसके मिलने की गुहार लगा जा चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ नगर कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि अभी मामले को लेकर कार्यवाही चल रही है। आइए पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। लड़की है मीनू और वो आज 20-25 दिन से ज़्यादा दिन हो गए लापता है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। FIR भी लिखी गई है, नाबालिग लड़की को ढूंढ नहीं पा रही है और बराबर पुलिस से कहा जा रहा है, पुलिस जानबूझकर उसमें जो है काम नहीं कर रही, लापरवाही कर रही है। तो आज उस लापरवाही के विरोध में सांकेतिक रूप से धरने पर बैठा हूँ और अगर अगले 4-5 दिन में लड़की बरामद नहीं की इन्होंने तो कोतवाली का घेराव किया जाएगा जमकर और सारी ताकत लगाई जाएगी और कोतवाली घेराव होगा और अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो उसके लिए यहाँ का कोतवाल CEO जिम्मेदार होंगे। गायब हुई है, वो 14 साल की है, वो मेरी बहन है। वो आनंदपुर से गायब हुई है अपने नानी के घर से और 25 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं तक नहीं मिली। हम बराबर आते रहते हैं थाने में, बस बोलते रहते हैं कि हाँ पता लगा रहे हैं, ट्रेस पे नंबर है, तो ऐसे करके कुछ भी पता नहीं लगा है अभी तक। क्योंकि एक नाबालिग लड़की 17-6 से घुमसा थी, इस संबंध में थाना हजार पे 365 का अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उसी दिन से इसमें विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। इसमें SOG टीम द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र हम लड़की की बरामदगी कर ली जाएगी। सर, वो लोकेशन मिली है लड़की की कुछ की? इस संबंध में आवश्यक का विवेचना प्रचलित है और कार्रवाई कर रही है पुलिस और ऐसा ये विवेचना का पार्ट है, अभी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में चल रही बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए बैठक में शामिल। राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और राजेंद्र भंडारी भी मौजूद हैं। वहीं बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आज मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तर तक हमारे पदाधिकारी जाएंगे, जिसमें जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम भी लगाए गए हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। कल हमारी प्रदेश के पदाधिकारी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक थी। आज सारे मोर्चों के पदाधिकारी, प्रदेश में जितने हमारे मोर्चे हैं उनकी बैठक है और चुनाव की दृष्टि से पदाधिकारियों को क्या काम करना है, मोर्चों को किस काम में लगाना है, ये हमारा रोड मैप तैयार है। आज उसी संबंध में बैठक होकर उनको अगले 2 महीने का काम हम लोग पार्टी की तरफ से देंगे और अगर मैं कहूँ कि अगले 2 महीनों में प्रत्येक बूथ तक का हमारा कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। मंत्री हमारे मंडल तक जाएंगे, मैं स्वयं विधानसभा तक जाऊँगा, मुख्यमंत्री भी कार्य समिति के साथ जिलों तक जाएंगे और अन्य हमारे जो मोर्चे पदाधिकारी इत्यादि, ये शक्ति केंद्र और उसके बाद जो हमारा बूथ सम्मेलन, तो ये इस प्रकार के हमने अगले 2 महीने के कार्यक्रम तय किए। राजधानी देहरादून में आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक, अवैध शराब की रोकथाम को लेकर दिए निर्देश। आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने आज राजधानी देहरादून के विधानसभा सदन में आबकारी विभाग से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके चलते यशपाल आर्य ने अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रवर्तन दल और छापेमारी में वृद्धि करने के निर्देश जारी किए। वहीं इस बीच यशपाल आर्य ने कहा कि पिछले 4 वर्षों का बकाया अधिभार करीब 93 करोड़ रुपये है, जो बहुत ही गंभीर मामला है। आइए पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। देखिए, 2021-22 का जो हमारा राजस्व लक्ष्य निर्धारित था उसके सापेक्ष
114% हमने बढ़ोतरी की है। कोविड के बावजूद भी हमें लक्ष्य प्राप्ति का जो लक्ष्य था उससे हमें 114% हमने लक्ष्य राजस्व प्राप्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आज कहा है कि जो 4 वर्षों का अधिभार जो बकाया है, 4 वर्षों का वो 93 करोड़ रुपया है। ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है, लापरवाही भी है। मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि आखिरकार यह 4 वर्षों में 93 करोड़ रुपये की वसूली की वजह क्या रही, क्यों वसूली नहीं की गई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, जो भी संबंधित DO हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या नोटिस भेजना ही पर्याप्त था, इसको हमने गंभीरता से लिया है। जो हमारी परिवर्तन दल हैं उन्होंने विगत वर्षों में उनकी क्या भूमिका रही, जो उनका रोल होता है, अवैध शराब है, स्मगलिंग का जो शराब आती है उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली है। जो हमारे बैकलॉग के पद हैं वो कितने पद रिक्त हैं, सामान्य पद कितने रिक्त हैं, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमने अध्याचल भेजा है और अध्याचल के बाद ही तो इसमें जब भी इसके इनमें पदों को अध्याचल के बाद जब वहाँ से पदों की भर्ती का होगी तो उसमें ये हमें इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बाजपुर में हमारी जो डिस्टिलरी है आसवनी है उसका कोटा कम है, उसका कोटा बढ़ाने के लिए भी हमने कहा है। विदेशी मदिरा के वो भी हमने कहा कि इनको भी बाजपुर को विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि बाजपुर अपनी जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है उससे उबर सके। तो गंभीरता से हमने हर मामले को लिया है और हमारी कोशिश होगी कि राजस्व वृद्धि हो। और जिस तरह से अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, 4 वर्ष में 93 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल नहीं कर पाए, ये गंभीर मामला है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही और जाने से पहले एक जरूरी संदेश जिसका अमल करना बेहद जरूरी है। धोएंगे हाथ लगातार, जीतेंगे हम जंग कोरोना वायरस से हर बार। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।